हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 13 मार्च 2018 के करंट अफेयर्स। पहले वन लाइनर फिर पर आधारित क्विज क्वेश्चन, आइए देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद नासिक में पैदल चलकर मुंबई पहुंचे करीब 35,000 प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचे करीब 35,000 प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की? ये महाराष्ट्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है। आइए अगला देखते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने के लिए श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमाल को कितने मैचों के लिए बैन कर दिया है? तो 2 मैचों के लिए धीमी गति से ओवर फेंकने पर। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सटीक निशाना साधने वाली किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 10 गुना है? तो रूस ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? रूस ने। और किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गति है वो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। आइए अगला देखते हैं। किस देश ने ITBP बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता है? तो भारत ने ITBP बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता है। तो भारत ने। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाली एशियन चैम्पियन कौन है? यह है नवजोत कौर। कौन है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में दूसरी रैंकिंग पाने वाली एशियन चैंपियन कौन है? नवजोत कौर। आइए अगला देखते हैं। मैक्सिको में आयोजित हुए शूटिंग विश्व कप में कितने पदक जीतकर भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के किसी टूर्नामेंट में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो 9 पदक जीतकर भारत मैक्सिको में आयोजित शूटिंग विश्व कप में जो है पहला स्थान हासिल किया है। आइए पदक तालिका में। आइए अगला देखते हैं। विमानन नियामक DGCA ने इंजनों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण किन कंपनियों के 11 A320neo विमानों की उड़ानों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है? तो इंडिगो और गो एयर के विमान कंपनियों को जो है रोक लगा दी है। किस लिए? विमानन नियामक DGCA ने इंजनों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण इंडिगो और गो ईयर को जो है तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। इंडिगो और गो ईयर याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। वह देश जिसके जासूस सरगेई स्क्रिपल की नर्व एजेंट से हत्या का मामला सामने आया है? तो ब्रिटेन। जासूस कहाँ की है? ये सरगेई स्क्रिपल, ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। अगला देखते हैं। वह स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो मिर्ज़ापुर में। कहां किया? मिर्ज़ापुर में। आइए अगला देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार और रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश तो भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार और रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश बन गया है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ये न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। आइए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भास्कर चौबे को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भास्कर चौबे को। आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विमान कंपनी ने इंजनों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण DGCA द्वारा इसके विमानों पर उड़ान से तुरंत रोक पर आदेश जारी किया? तो देखते हैं। आइए इसमें देखिए,
चारों ऑप्शन देखते हैं, लुफ्थांसा एयरलाइन, इंडिगो, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, तो इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, देखिए फिर से देखते हैं, डीजीसीए ने किस पे रोक लगाया है, तो ये है इंडिगो, बी ऑप्शन इंडिगो। आइए तीसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जासूस की नर्व एजेंट से हत्या करने किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। चारों ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, ब्राजील। हाल ही में किस देश के जासूस की नर्व एजेंट से हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, तो ये ब्रिटेन, ए ऑप्शन है ब्रिटेन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, तो देखते हैं ऑप्शन, लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में, मिर्जापुर में, तो कहाँ पे किया है, डी ऑप्शन मिर्जापुर में जो है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार किस देश को विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बताया गया है। चारों ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, चीन, भारत, इजराइल, तो ये है भारत, कौन है, भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जो है भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित महानदी विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। चारों ऑप्शन देखते हैं, इसमें है ए न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर, बी ऑप्शन न्यायमूर्ति जी एस वाडेकर, सी है अजीत सरकार न्यायाधीश, इसके बाद डी है न्यायाधीश दिजाय बनर्जी, तो इसके हैं ए ऑप्शन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर, ये क्या बनाए गए हैं, महानदी जल विवाद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं चारों ऑप्शन, अमित द्विवेदी, भास्कर चौबे, विवेक कौशिक, स्वतंत्र कुमार, तो ये बी ऑप्शन है भास्कर चौबे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भास्कर चौबे को। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद किस राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचे करीब 35,000 प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, तो पहला है महाराष्ट्र सरकार से, या कर्नाटक सरकार से, पंजाब सरकार, किस सरकार से, तो महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचे 35,000 प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलन ने वापस ले लिया। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस देश ने आईटीबीपी बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता। चार ऑप्शन देखते हैं, रूस, इराक, भारत, पाकिस्तान। आईटीबीपी बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता है, तो कौन है, भारत, सी ऑप्शन, कौन है, भारत, आईटीबीपी बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाली एशियन चैंपियनशिप कौन है। चारों ऑप्शन देखते हैं, साक्षी मलिक, नवजोत कौर, बजरंग पुनिया, इनमें से कोई नहीं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने वाली एशियन चैंपियनशिप कौन है, ये है नवजोत कौर, बी ऑप्शन कौन है, नवजोत कौर। आइए देखते हैं दसवां क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने पर श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल को कितने मैचों के लिए बैन किया है। चार ऑप्शन देखते हैं, ए दो मैचों के लिए, बी तीन मैचों के लिए, सी चार, डी पाँच, तो ए है दो मैचों के लिए बैन कर दिया गया। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सटीक निशाना साधने वाली किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 10 गुना है, तो देखते हैं, पहला भारत, नेपाल, रूस, चीन, तो ये कौन सा देश है, रूस ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको में आयोजित शूटिंग विश्व कप में कितने पदक जीतकर भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ के किसी टूर्नामेंट की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, तो देखते हैं, ए 9 पदक जीतकर, बी 8 पदक जीतकर, सी 10 पदक जीतकर, डी 15 पदक,
तो यह नौ पदक जीतकर भारत शूटिंग विश्व कप में किसी टूर्नामेंट में पदक तालिका में पहला शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की किसी भी टूर्नामेंट में। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।